पौड़ी उपरोला क्षेत्र अंतर्गत कोरबा जिले के अंतिम छोर में बसा हुआ रानी अटारी भूमिगत कोयला खदान प्रबंधन से 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्रामीणों ने आज सुबह हड़ताल शुरू की। ग्रामीणों के इस आंदोलन को विभिन्न संगठनों ने समर्थन दिया। मौके पर पहुंचे SCCL के अधिकारी के लिखित आश्वासन के बाद यह आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। रानी अटारी का भूमिगत कोयला खदान कोरबा जिले के पौड़ी उपरोला ब्लॉक के अंतर्गत आता है, मगर इसका संचालन SCCL की चिरमिरी परियोजना के अधीन होता है। ग्रामीणों का कहना कि SCCL प्रबंधन द्वारा खदान के संचालन का जिम्मा किसी निजी कंपनी JMS को दिया गया है, जो स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बजाय बाहरी लोगों से काम करवा रहा है। साथ ही प्रबंधन द्वारा क्षेत्र के विकास और जर्जर सड़कों की ओर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रानी अटारी भूमिगत कोयला खदान से प्रभावित ग्रामीणों ने हड़ताल से पूर्व प्रबंधन को जो ज्ञापन सौंपा है, उसमें 7 सूत्रीय मांगे रखी गई हैं। इनमें खदान से लगी सड़कों का निर्माण और मरम्मत, स्वास्थ्य शिविरों का प्रतिमा आयोजन, रोजगार हेतु लंबित आवेदनों का निराकरण, भू विस्थापित को SCCL में स्थायी नौकरी, खदान में कार्यरत श्रमिकों के आर्थिक शोषण के विरुद्ध कार्रवाई और हाथी प्रभावित इलाकों में सोलर स्ट्रीट लगाने से संबंधित मांगे शामिल हैं। ग्रामीणों की इस हड़ताल से कामकाज पर प्रभाव पड़ता देख SCCL प्रबंधन ने तत्काल रानी अटारी के उप क्षेत्रीय प्रबंधक उमेश शर्मा को चर्चा के लिए भेजा। यहां सभी से बातचीत के बाद प्रबंधन ने एक माह के भीतर सभी मांगों के निराकरण का लिखित में आश्वासन दिया, जिसे देखते हुए हड़ताल को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। पौड़ी उपरोला से नंद यादव की रिपोर्ट।